डॉक्टर ने चेक करने से इनकार कर दिया भाई, इसने रोना पीटना इतना मचाया हुआ था इसी को। सबसे मुश्किल मरहला आ गया भाई मुस्तफा साहब को, सिरप पिलाना इतना मुश्किल काम होता है ना, ये चम्मच चेंज के मार देगा बता रहा हूँ। अबे बुखार उतर जाएगा पी ले। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग गाइस। आज के व्लॉग कर रहा हूँ शाम को 6 बजे से, यार उसकी वजह ये है कि सुबह 6:30 बजे मैं एयरपोर्ट से आया हूँ यासर को छोड़ के, और 6 बजे आके हम लोग सोए तो भाई फिर ये हुआ कि थोड़ी देर सोए तो 1.5 घंटे के बाद चले गए भाई लाइट, और लाइट इतनी लंबी गई है आज इसकी कोई हद नहीं है यार, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की लाइट गई है। और आपको पता है गर्मी कितनी शदीद हो रही है, बाहर सो ही नहीं पाया यार, फिर जब 3 घंटे बाद लाइट आई सोए तो भाई अब आग खुली और हम लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। देख सकते हैं भाई नाश्ते में एकरस बन, अहमद के लिए पराठा, और अहमद की थोड़ी फीलिंग्स जानते हैं। अहमद थोड़ा इमोशनल हो गया था रात को। अहमद साहब आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्यों इमोशनल हो गए थे हैं? तो भाई आप में थोड़ा इमोशनल हो गया था क्योंकि जाहिर बात है पूरा महीना मीना के साथ खेल 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 इतना खेला है, इसने अपनी 7 साल की उम्र में नहीं खेला हुआ इतना, इसने 1 महीने में खेल लिया है मीना से। और जाहिर बात है खाला से अटैचमेंट ज़्यादा है इसकी, तो ये खाला को जाते हुए देखते हुए रो रहा था और मीना भी जा रही थी उसको देखते हुए रो रहा था। तो बहरहाल सही हो जाएगा, 2 महीने पता भी लगते यार अभी आ भी जाएंगी। तो बहरहाल अभी अहमद की स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, अहमद का हम मंडे को इंशाल्लाह कोर्स लेने जाएंगे, अभी देखेंगे या मंडे को देखेंगे ना इंशाल्लाह। अरे तो पहले यूनिफॉर्म जाके मालूम करेंगे ना भाई कि यूनिफॉर्म वाइट हो गया है या चेंज हो गया है, चलो मालूम कर लेंगे ना, चल के देख लेंगे ना आज। तो एनीवेज गाइस करते हैं हम लोग पहले नाश्ता और फिर करते हैं आप लोगों से मजीद बातें। नाश्ता वास्ता कर लिया है भाई, अब थोड़ा सा एक काम है बाहर का जो अहमद साहब का मुझे करवाना है, अहमद साहब का यूनिफॉर्म देखने जाना है, और सेकंड काम जो है मेरी बाइक का साइड स्टैंड जहाँ से उन्होंने तोड़ दिया था। बेचारे ने पूरे 30 दिन में 1 दफा बाइक चलाई मेरी और उसने बेचारे से साइड स्टैंड टूट गया। तो क्यों टूटा? हाँ। इसलिए बेचारे मामा ने वो स्टैंड उठाना नहीं आता, शायद मामा को स्टैंड भारी रहा, वो स्टैंड उठाना भूल गया। नहीं वो पता क्या हुआ बताता हूँ, वो असल में हुआ ये होगा कि मामा ने बाइक निकाली, वो जैसे मैं स्टैंड उठाना भूल जाता ना ऐसे मामा भी स्टैंड उठाना भूल गया, तो उससे जुड़ गया भाई, वो भी बैल कराना है। और इसके यूनिफॉर्म का भी पूछना ही कह रहा भाई हमारा यूनिफॉर्म चेंज हो चुका है, व्हाइट हो चुका है या चेंज हो चुका है, तो बाहर वहाँ चलते हैं उससे मालूम क्या कपड़े चेंज करके आते फिर चलते। हाँ तुम कपड़े चेंज करो फिर मालूम कर देंगे तुम्हारा यूनिफॉर्म का क्या सीन है। तो गाइस पहले इसका यूनिफॉर्म देखेंगे फिर बाइक वेल्ड करवाने जाएंगे, बाइक का स्टैंड वेल्ड कराएंगे, और एक मेरे अभी दोस्त के वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया यार, उससे भी मिल लेंगे, हो सकता है नमाज जनाजा भी जाना पड़ जाएगा बस, क्योंकि थोड़ा करीबी दोस्त है मोहल्ले का ही है। तो भारत अभी चलते हैं यूनिफॉर्म के लिए और वेल्डिंग के लिए गाइस। टाइम आउट में जा रहे हैं भाई, सबसे पहले हमारा डिसाइड ये हुआ है कि अंधेरा होने से पहले यार हम करवा लें बाइक का काम, तो पहले हम करवाएंगे अपने बाइक के स्टैंड की वेल्डिंग, उसके बाद देन जाएंगे अहमद के यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है अहमद, तो आ जाओ जल्दी जल्दी आराम से गेट लॉक कर कर आना, फिर हमें आ रहा हूँ। सही है आ रहे। अबे यार अहमद स्टैंड भी तो ढूंढना पड़ेगा, बाइक का स्टैंड कहाँ रख दिया, देखते गाड़ी में तो नहीं रखा भाई, गाड़ी में तो नहीं है, नहीं रखा था यार। हाँ आओ तो देखें, ये रहा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो भाई ये स्टैंड है भाई जो यासर भाई से गलती से टूट गया था, सारी बात है उसको भी क्या पता था भाई की टूट जाएगा, तो बाहर इसको निकालते सही कराते हैं। पकड़ो ये पकड़ो चलते हैं, अभी भी मेरा हो जाएगा सही हो जाएगा, चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ चलते हैं। A few moments later. भाई के पास बाइक लेकर आ गया हूँ, मैंने उनसे पूछा भाई ये वेल्डिंग हो जाएगा, उन्होंने बोला भाई हो तो जाएगा लेकिन कोई गारंटी शारंटी नहीं है, दोबारा टूट सकता है, तभी फिलहाल वो साइकिल वेल्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद जान हमारी बाइक की बारी आएगी, तो देखते हैं अल्लाह पाक हमारे स्टैंड को पक्का कर दे भाई। तो भाई मेरी बाइक का नंबर आ गया है, अभी भाई मेरे स्टैंड को वेल्ड कर रहे हैं, शायद देखो पक्का काम हो गया हमारा, बाइक का तो काम करवा लिया हम लोगों ने, और अब हम जा रहे हैं अहमद के यूनिफॉर्म के लिए मालूम करने के लिए कि भाई अहमद का यूनिफॉर्म चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, और अल्लाह करे हमारा जो हमने स्टैंड लगाया है ये भी मजबूत हो गया हो भाई, ऐसा ना वेल्डिंग जो होता है ज़रा कच्चा मामला होता है, लेकिन बहरहाल हम लोग यहाँ पर करीमाबाद पर आ गए हैं, अहमद का यूनिफॉर्म मालूम कर लिया, वाकई में अहमद कह रहा है कि उसका यूनिफॉर्म चेंज हो गया है, तो कह रहे भाई अभी अवेलेबल नहीं है, मंडे को आके आप लेके चले जाइएगा यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ,
मगरिब की अजान हो गई है, हो गई नमाज वमाज पढ़ते हैं और मंडे को इंशाल्लाह अहमद का यूनिफॉर्म, अहमद के कोर्स, अहमद के शूज, हर चीज मंडे को इंशाल्लाह हम लेकर आ जाएंगे भाई। तो अभी तो फिलहाल मुस्तफ़ा के लिए हम केले लेकर आ गए, बनाना खाएगा भाई क्योंकि मुस्तफ़ा की तबीयत सही नहीं है, मुस्तफ़ा को लगे हुए हैं बहुत टाइट वाले मोशन, अभी मुझे उसको दवा भी लाने लेके जानी है। तो वैसे पहले नमाज पढ़ता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से बाद में। नमाज पढ़ ली भाई, खाना वाना खा लिया गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुस्तफ़ा की तबीयत सही नहीं है, उसको दो दिन से बेचारे को मोशन लगे हुए हैं और बुखार भी हो रहा है। तो यार कल है संडे, तो मैंने सोचा भाई इसको अभी दिखा के लाऊं उससे पहले कि तबीयत अल्लाह ना करे ज्यादा खराब हो जाए। तो मैं अभी इसको लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के, और डॉक्टर के जाता है ना उस तक क्लिनिक देख के इतना रोता है, इतना रोता है, डॉक्टर साहब बोलते भाई इसको बाहर ले जा, मैं तो देखना ही नहीं है उसको भाई, मैं वो देख डाक के बाहर करके दवा दे देते हैं। तभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के। भाई जान, ओ भाई, हेलो साहब जी, चले आ जाओ, चलो भाई इसको डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ, भाई मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। 2000 years later. तो गाइस डॉक्टर के यहाँ से भाई आ गए हैं, और जो चीज मैंने आपको बताई थी ना, जिस चीज का डर था, ओए ये देख रहे हैं आप, वही हुआ भाई कि डॉक्टर ने डॉक्टर ने चेक करने से इनकार कर दिया भाई, इसने रोना पीटना इतना मचाया हुआ था, इसी की बात नहीं, अभी भी देखे अभी भी हरकतें कर, क्या आप क्या चाह रहे हो, आप क्या चाह रहे हो भाई, ये भाई ये बच्चा बड़ा खतरनाक है भाई ये। अब मैं बताया मैं कैसे दिखाऊं, डॉक्टर ने बस देख के दवा दे दी भाई मुझे कि भाई ये मसला है, इसको ये फलाई फलाई दवा दे दो, इतने मसले करता है ये, दो से तीन दफा हो चुका है। अभी मैं डॉक्टर क्लिनिक में गया हूँ और वापस इसको लेकर आ रहा हूँ, इसने इतना शोर मचा के रखा हुआ था, इसकी कोई हद नहीं। चलो भाई पकड़ो उसको यार, ये रोते आदमी को यार ये बड़ा खतरनाक है यार, आप बताए डॉक्टर के देने पे गए, डॉक्टर को चेक नहीं कराया, डॉक्टर ने देखे बस देखा भाई दवा दे दिया और दवा लेकर आ गए भाई। अल्लाह करे भाई वो बिना देखे ही जो सही हो जाए भाई हमारा बच्चा। तुम्हारा क्या हाल है? मूड खराब है, अभी भी रो रहा है भाई, अभी रो रहा है। तो एनीवेज गाइस यार पहले मैं इसको दवा दे दूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। भाई ये दवाई दी है डॉक्टर साहब ने, तीन दे दिए हैं, पाउडर बाबी इसको बनाते हैं, पाउडर वाली दवाइयाँ होती हैं जैसे मैं आपको बताइए। अरे तो भाई इसमें क्वांटिटी होती है, तुम ज्यादा पानी कर दो तो ऐसा ज्यादा हो जाए। तो बहरहाल भाई एंटीबायोटिक और ये डायरिया वायरिया की पता कौन कौन सी दवाइयाँ दे दी भाई। तो भाई पहले मैं दवा बना दूँ यार, और अब क्यों रो रहे हो, रोकते ही रहते हैं हर वक्त यार, क्या चाह रहे हो? हैं हाँ सुना गाइस, अभी भी मैं थोड़ा सा बोलना स्टार्ट हुआ, वरना बोल ही रहा था इसलिए उदास हुआ था मैं। चल निकल यहाँ से। तो भाई पहले मैं उसकी दवा बना दूं यार, चैपे कर रहा है, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो भाई सबसे मुश्किल मरहला आ गया भाई मुस्तफा साहब, इतना ये सिरप पिलाना इतना मुश्किल काम होता है ना, बाकी तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके पिला दिए, आखिर की रह गई बुखार हो रहा है, पैर दे दिए इसको भाई। अरे मोबाइल पे चम्मच मार रहा हूँ चम्मच चेंज के मार देगा बता रहा हूँ आईफोन। अभी अभी रुका, अभी तमाशा देखिएगा आप लोग, मेरा ड्रॉपर भरता हूँ, ये देखिए कैसे भागेगा। लाओ चलो आ करो आ आ, ये तो अच्छी अच्छी है ना, आ आ आ, अरे वाह आ करो अब भाई आ आ, मुझसे बना गई, पकड़ो उसको पकड़ो पीता नहीं है, सिर्फ चक मारता है, अबे बुखार उतर जाएगा पी ले। हो गया भाई, दो ड्रॉप हो गए, मुश्किल से दवाइयाँ पीता है ना जिसकी कोई हद नहीं। ओए ड्रॉप रुक ला भाई यार बहुत खतरनाक है, कसम उठा के आप बता नहीं सकता हूँ, एक्स्ट्रा शरारती होता है ना वो बच्चा यार ये, आप मैं क्या बोलूँ, जो चीज़ के हाथ में होती चाहे लोहे की हो लकड़ी की हो किसी भी चीज़ देख ही मारता डायरेक्ट निशाना मुँह का लगाता है। बड़ी मुश्किल से भाई दवाइयाँ वाइयाँ मैंने इसको पिला दी है सारी, अल्लाह करे यार इसके मोशन खत्म हो जाए और बुखार भी हो जाए अल्लाह करे। तो बाहर और तो कुछ नहीं है ना, सारी दवाइयाँ एंड हो गई हैं, मुझे पढ़नी है अब नमाज गाइस, मैं पढ़ूंगा पहले इशा की नमाज फिर बाद में मिलूंगा आप लोगों से। तो हटो मुस्तफ़ा को मैंने दवाइयाँ दे दी हैं भाई, अब वो मुस्तफ़ा ने और मजीद परेशान करना शुरू कर दिया भाई। भाई मैं कर रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे भाई इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबा देना भाई। तो मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।